चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के आदिवासी समागम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार में आदिवासियों के कल्याण की योजनाएं बंद कर दी गई थी। उन्होंने राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह को भी घेरा है, क्या कुछ और कहा उन्होंने, आप सुनिए। घटना में आपको लगता है कि कानून की धर्म की स्वतंत्रता को लेकर कहीं दिक्कत है? अनुच्छेद 15 और 25 कहता है कि हर देश के नागरिक को अपना धर्म जीने का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता है, तो इस देश में तो यह है। और राहुल गांधी इतने ज्ञानी हो गए, पर आपको वो किस्सा भी याद होगा जब मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे और राहुल गांधी ने कानून की प्रति को उनके सामने फाड़ा था, इस देश के प्रधानमंत्री के सामने। अब आज आप बात कर रहे हैं अनुच्छेद की और संविधान की। राहुल गांधी जी, केवल स्क्रिप्टेड ट्वीट मत करो, पढ़ो लिखो, और बस का नहीं हो तो राजनीति छोड़ दो। अब आदिवासी सम्मेलन वो करें, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता ये भी तो बताएं कि शिवराज जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब शहरी आदिवासियों को 1,000 रुपए महीना सम्मान निधि देने की जो योजना शुरू की थी वो कांग्रेस की सरकार ने बंद क्यों की, कमलनाथ ने बंद क्यों की? वो आदिवासी सम्मेलन करें, बहुत अच्छी बात है, पर वो ये जरूर बताएं कि आदिवासी और दलित समाज के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को कुठाराघात करने का काम कांग्रेसियों ने क्यों किया। बहुत आश्चर्य की बात है कि हर बात पर अपने ट्वीट कर समाज में वैमनस्य फैलाने वाले दिग्विजय सिंह, इंदौर की घटना में जो अल्तमस जिसने की सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की थी और वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, उसकी गतिविधियां पाकिस्तान से साथ जुड़ी हुई हैं, ये जब जांच में सामने आया तो उसको लेकर दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के किसी नेता ने कोई ट्वीट नहीं किया। दिग्विजय सिंह जी को पाकिस्तान परस्ती करने में तो मजा आता है, पर देश में, प्रदेश में और इंदौर में यदि कोई पाकिस्तान से जुड़ा हुआ व्यक्ति जांच में सामने आता है तो उसको लेकर दिग्विजय सिंह ट्वीट नहीं करते।